हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान पार्क। तो दोस्तों, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि आरआरबी जेई सीवीटी 1 की मॉडिफाइड आंसर की आने के बाद भी कुछ क्वेश्चंस के आंसर की में अभी भी कैंडिडेट को प्रॉब्लम है, और इसके रिगार्डिंग मैंने पर्सनल और वे सारे कैंडिडेट जिनको इश्यूज था वे लोग पर्सनली ट्वीट और मेल भी किए आरआरबी को। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि इसी का नतीजा अब ये हुआ कि आरआरबी ने फिर से उस आंसर की को मॉडिफाइड कर लिया, और उसके रिगार्डिंग मुझे पर्सनल एक मेल भी दिया है जिसको, और साथ ही साथ उन कैंडिडेट को भी मेल आया होगा जिन्होंने इस पे ऑब्जेक्शन रेज किया था ट्वीट या ईमेल के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, उस वीडियो को मैं इस माध्यम के थ्रू आपको दिखाता हूँ, वो प्रूफ के साथ कि कौन से शिफ्ट में किस क्वेश्चन को उन्होंने मॉडिफाइड किया है। साथ ही साथ दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि रिजल्ट में देरी क्यों आ रही है, इस वीडियो में भी बताऊँगा, तो इसलिए वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सब्सक्राइबर है मेरे, सौरभ सिंह, जिन्होंने मुझे पर्सनली यहाँ पर मैसेज किया है कि उन्होंने आरआरबी को जो मेल किया था उसमें उनको क्या रिस्पॉन्स आया। देख सकते हैं, RRB03/2018 5:39 पे इनको मैसेज का ईमेल मिला था, और जो सॉरी मैं अभी लेट से देख रहा हूँ, फिर भी कोई नहीं। तो देख सकते हैं कि इसमें लिखा क्या है कि प्लीज नोट द चेंज इन द की इन द फॉलोइंग क्वेश्चन इन CVT 1 स्टेज टेस्ट ऑफ RRB CN No. 03 एग्जाम्स कंक्लूडेड इन मई जून 2019। तो दोस्तों, इनमें इनका क्वेश्चन था 28 मई 2019 में तीसरे शिफ्ट के 4 बजने वाले PM में इनका शिफ्ट एग्जाम था। इसमें दोस्तों देख सकते हैं कि क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नोन एज दक्षिण गंगा। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन था कि किस नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें पहले जो इन्होंने जो मॉडिफाइड आंसर की दिए थे इन्होंने, तो उसमें उस समय कावेरी दिया था, लेकिन दोस्तों अब बताना चाहूंगा आप लोगों को इसमें इन्होंने जो फाइनल किए दोस्तों ये चेंज कर दिया है गोदावरी। दोस्तों, ये तो रहे प्रूफ के साथ कि किस शिफ्ट में किसमें क्या चेंज हुआ है। ऐसे ही दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, अभी उसका मुझे मेल नहीं मिला है, लेकिन 23 मई की सेकंड शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन में गड़बड़ी थी जिसके रिगार्डिंग मैंने भी मेल किया है और काफ़ी लोगों ने भी मेल किया होगा। तो इसके रिगार्डिंग भी जैसे अपडेट मिलता है उसको मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। और साथ ही साथ दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि रिजल्ट में देरी क्यों आ रही है। तो दोस्तों, यही आप देख सकते हैं कि इसके पहले ALP का जो एग्जाम हुआ था या जो भी ग्रुप डी का, तो उसमें आरआरबी को कई बार अपने आंसर की जो रिजल्ट को रिवाइज करना था पड़ा, क्योंकि उसमें आंसर की में इश्यूज रहते थे। तो दोस्तों, इसीलिए इस बार आरआरबी चाह रहा है कि कोई भी रिवाइज बार बार रिजल्ट ना आए, और ये तब पॉसिबल है जब आंसर की में कोई भी एरर ना हो और सारे कैंडिडेट सेटिस्फाइड हैं अपने आंसर की के साथ। तो दोस्तों, इसीलिए अभी डिले इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप देख सकते हैं आपके साथ प्रूफ है कि इसमें प्रॉब्लम है, और कुछ क्वेश्चंस में और भी काफ़ी लोग कैंडिडेट मेल किए हैं, तो आरआरबी उसी को चेक कर रहा है, और चेक करने बाद जैसे ही वो फाइनल कर लेता आंसर की को तो जल्द ही रिजल्ट जारी कर देगा। वैसे दोस्तों, जब भी रिजल्ट आएगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा, तो इसलिए दोस्तों इस चैनल के साथ बने रहिएगा। तो इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और दोस्तों सबसे बड़ी बात, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सबको पता चल सके न्यूज़। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में नए ऑब्जेक्टिव के साथ, तब तक के लिए वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।